तो संसद में दिल्ली से जुड़े बिल के पेश होने को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खासतौर से वार पलटवार का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। आपके सांसद हैं संजय सिंह, बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिदोड़ी, जरा सुनिए किस तरीके से ये आर पार आप और बीजेपी में छिड़ा है। बिल कल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में और जो अध्यादेश था लगभग वही भाषा बिल में लिखी हुई है, तो मैं समझता हूं कि जो भी वहां टीम इंडिया के दल हैं वो सब लोग इसका विरोध करेंगे और ये काला अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ 8 दिन में लाया गया ये बिल है और मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के लिए और भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है ये अध्यादेश, ये बिल, कि हम कुछ नहीं मानेंगे ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली के बारे में इतनी सेंसिटिव है तो अध्यादेश पर चर्चा करे, कम से कम करनी चाहिए। अब उनको देश के हित में सत्ता में रहते हुए कानूनों का जिस प्रकार से मोदी साहब अमेंडमेंट कर रहे हैं कि सरलता से लोगों के काम होने के लिए कानून रहने चाहिए, वो अंग्रेजों के गुलामी के कानून को तिलांजलि देनी है। लगभग ऐसे 1600-1700 कानून बदले गए हैं, तो ऑर्डिनेंस लाकर भी जो कमी 1991 में कांग्रेस के द्वारा रह गई थी, जो केजरीवाल अत्याचार कर रहा था, लूट खसोट दिल्ली में कर रहा था अफसरों के साथ डंडा दिखाकर अफसरों, तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार इस वजह से छिड़ा हुआ है क्योंकि वो दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी उसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए आज बिल सदन में पेश किया जा सकता है। देखिए, आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने 19 मई की तारीख थी जब ये अध्यादेश लाकर दिल्ली में ग्रुप ए के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग उन पर एक्शन का अधिकार जो है वो उपराज्यपाल को दे दिया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसी का जबरदस्त विरोध कर रही है। अब मोदी सरकार अध्यादेश को कानून का रूप देने की तैयारी में है, संसद में बिल लाने की तैयारी में है। इसी के विरोध के लिए आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने अब तैयारी पूरी कर ली है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच छिड़ी जंग में इसे शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़े बिल पर हालांकि सस्पेंस अभी कायम है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो इस पूरे मामले पर कह रहे हैं आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो लगा है वही आएगा। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा की आज की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली से जुड़े बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार नोटिस देकर बिल कभी भी पेश कर सकती है, इसकी भी इसका भी प्रावधान है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली से जुड़े बिल पर कहा है, अच्छा प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक और खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनका बड़ा बयान आ गया है। समाजवादी पार्टी साफ कर रही है कि अगर सरकार दिल्ली पर बिल लाती है तो हम विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहते हुए ऐसा करना गलत होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।